शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंगनघाट में आवारा कुत्तों के नसबंदी, शल्य चिकित्सा एवं एंटीरेबीज टीकाकरण शिविर में अनियमितताएं देखी गई। गोस्वामी ने कई आपत्तिजनक सवाल उठाए। स्थानीय नगरपालिका प्रशासन और साथ ही संबंधित संचालक उपस्थिति, शल्य चिकित्सक और आयोजक में खलबली मच गई। प्रशासन के अगले आदेश तक शिविर को स्थगित कर दिया गया है। शहर में आवारा कुत्तों के नसबंदी, शल्य चिकित्सा एवं एंटीरेबीज टीकाकरण शिविर कल गुरुवार से शुरू हुआ। वर्धा के सर्वोदय गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट और स्थानीय नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में कई अनियमितताएं होने की सूचना मिलने के बाद वर्धा के एक प्राणी मित्र आशीष गोस्वामी मौके पर पहुंचे। जैसे ही गोस्वामी ने आपत्तिजनक सवाल उठाए, स्थानीय नगर पालिका प्रशासन और साथ ही संबंधित संचालक, उपस्थित शल्य चिकित्सक और आयोजकों में खलबली मच गई। प्रशासन के अगले आदेश आते तक शिविर को स्थगित कर दिया। पीपल्स फॉर एनिमल्स के सचिव और पशु क्लेश समिति के सदस्य आशीष गोस्वामी, जो जिले में पशु और पक्षी क्रूरता के खिलाफ काम कर रहे हैं, इन्होंने दोपहर शिविर का दौरा किया और शिविर में चल रही अनियमितताओं का खुलासा किया। जिलाधिकारी की वैशिष्ट्यपूर्ण योजना के तहत जिले के सभी नगर निकायों को आवारा कुत्ते के निर्बीजीकरण हेतु 12 लाख रुपए अनुदान राशि प्रदान की गई है। इसमें से 2 लाख रुपयों का अनुदान स्थानीय नगर पालिका को दिया गया था और काम को सर्वोदय गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट वर्धा को सौंप दिया गया था। गुरुवार को इस स्टरलाइजेशन और एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर के तहत 100 आवारा कुत्तों की सर्जरी और टीकाकरण करना तय था। गोस्वामी एवं पत्रकारों की उपस्थिति में 30 सर्जरी होने की बात आयोजकों ने कही, लेकिन सर्जरी के बाद इस कुत्ते के अंडकोश को गड्ढे से बाहर निकाला गया और मापा गया और केवल 20 अंडकोश इसमें पाए गए। यह शिविर स्थानीय नगर पालिका के नेहरू प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें सर्जरी के दौरान मान्यता प्राप्त एवं जंतु रहित शल्य गृह जैसी किसी भी जगह को छोड़कर एक प्राथमिक स्कूल के कक्षा में शिविर का आयोजन किया गया था। घटना स्थल पर आशीष गोस्वामी और उनके सहयोगी कौस्तुभ गावंडे ने कई मुद्दों पर आपत्ति जताई। बार बार संपर्क करने के बावजूद मुख्याधिकारी अनिल जगताप मौके पर नहीं पहुंचे। इस मामले में गोस्वामी ने जिला कलेक्टर भीमनवार, उप विभागीय अधिकारी खंडायत सूचित किया। इसके साथ राष्ट्रीय नेता मेनका गांधी को भी सूचित किया गया। इस मूक पशुओं को न्याय देने के मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में पूरे शहर में चर्चा का बाजार गर्म है। सर्वोदय गोशाळा हे एक प्राण्यांचं काम करणारी संस्था आहे। या संस्थेचं नाव तुम्ही वाचताय की सर्वोदय गोशाळा, हे फक्त गोशाळा आहे देवळी तहसीलमध्ये पडेगाव जवळ, आणि या गोशाळेजवळ फक्त गाई ठेवण्याची परवानगी आहे। बेवारस कुत्र्यांच्या जन्मदर नियंत्रणाचं या संस्थेच्या कुठल्याही डायरेक्टरचं ट्रेनिंग झालेलं नाही आहे किंवा काही नाही। भारतीय जीवजंतू कल्याण बोर्ड, ॲनिमल वेलफेअर बोर्डच्या स्पष्ट डायरेक्टिव्ह आहे की ॲनिमल वेलफेअर बोर्डनी सांगितलं आहे की ज्या तरतुदी आम्ही ठरवून दिलेल्या आहेत त्याच्यानुसारच सगळे ऑपरेशन्स झाले पाहिजे। सगळ्या SOP आहे, कुत्र्यांचा रेकॉर्ड असला पाहिजे, ज्या ठिकाणून कुत्रे धरले त्याच ठिकाणी सोडले पाहिजे, पकडण्या ऑपरेशनच्या 2 दिवस पहिले पकडले पाहिजे, ऑपरेशन झाल्यानंतर 4 ते 5 दिवसांनी पूर्ण जखम बऱ्या झाल्यानंतर सोडले पाहिजे। सेम डे सकाळी पकडणे आणि संध्याकाळी सोडणे याच्या मागचा एकमेव उद्देश नगर परिषदच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना कमिशन देणे। रस्ते खाल्ले, नाल्या खाल्ले, आता कुत्र्यांचे खाण्याची सुद्धा या लोकांची तयारी आहे। या ठिकाणी नुसता भ्रष्टाचार आहे, संबंधित अधिकाऱ्यांचे सुद्धा फॅमिली प्लॅनिंगचे ऑपरेशन या ठिकाणी कुत्र्यांच्या ठिकाणी करायला पाहिजे, तेव्हा त्यांना समजेल की कुत्र्यांना काय वेदना होत असते। त्यासाठी आपण ई टेंडरिंग केलं, ई टेंडरिंगमध्ये सर्वोदय वर्धा, सर्वोदय गोशाळा यांची निविदा टेंडर, कमी दराचे टेंडर, 1250 रुपये प्रति नग टेंडर मंजूर झाले। त्याची ठराव घेऊन त्याला मंजुरी दिली दराला आणि त्याप्रमाणे वर्क ऑर्डर देऊन दिनांक 8 तारखेपासून त्यांचं नसबंदीचा कार्यक्रम मोहीम चालू केली। त्यामध्ये कालपर्यंतचे त्यांचे 30 कुत्रे पकडून त्याची नसबंदी केली आणि त्याच्यापैकी ऑर्गन त्यांनी गाळलेले होते, जे ऑर्गन काढून आज तपासणी केली, त्याच्यामधून 20 कुत्र्याचे ऑर्गन त्यांना आम्हाला प्राप्त झाले। पूर्वी 10 कुत्र्याचे ऑर्गन प्राप्त झाले नाही, तसं त्यांना त्यानुसार त्यांना समोर ती कारवाई करता येईल, करण्यात येईल। तसेच मुख्याधिकारी यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे त्यांचं टेंडर सध्या स्थगित करतो। NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।